आज आपसे ना हमने खीर पकवाई की रस्म करनी है। मैं नहीं दुलन दुलन आई हूँ कि मैं से खीर पकवाई की रस्म। मेरी बात सुने। और सिर्फ चम्मच चला देने से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्लाह ने हाथ में जायका दिया। अच्छा क्या हुआ, बाल आ गए? हाँ जी, बाल पे बाल आ रहे हैं, पर एक हाथ में से बाल निकल तो ना। बीवी को जितनी टेंशन लेंगे उतने ज्यादा बाल उसके गिरेंगे। हाँ। वो शेर है ना, कहते हैं वो शेर सुनाया तुमने आगे, बस इतना ही था। नहीं अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, मैं अभी ले रही हूँ सुबह की चाय, नाश्ता। नाश्ते का टाइम है, हस्बैंड जाने वाले हैं काम पर और आज इनसे खीर पकवाई की रस्म हमने करनी है, क्योंकि इन्होंने जब से मैं इधर आई हूँ मुझे कुछ बना के नहीं खिलाया। ठीक है, तो आज चाय बहुत ही मज़े की बनी है, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। क्या हुआ, बाल आ गए? हाँ जी, बाल पे बाल आ रहे हैं, पर एक आप में से बाल निकल तो ना मुझे इतनी टेंशन दिया करें। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, बीवी को जितनी टेंशन देंगे उतने ज्यादा बाल। दो बाल निकले हैं तुम्हारे? दो बाल, इतनी आपने मुझे टेंशन दी है, यानी कि दो बाल मेरे गिर गए आज से नहीं गिरे। आप मुझे ना टेंशन दिया करें, तुम ना लिया करो, तो इसका मतलब है इसलिए बाल गिरते हैं। तो फिर क्या सजा है मेरी? गुस्सा है आपको मेरे पर? मैंने गुस्सा क्यों करना? नहीं, आपके नाश्ते का मजा खराब हो गया। नहीं, मैं इन चीजों की इतनी टेंशन लेता? किन चीजों की लेते हैं भाई? और बहुत है दुनिया में चीजें हैं टेंशन। वो तो आपने इतना ऐसे कद्दू जैसा बनाया था एकदम कि बाहर आ गया तुम्हारा घर में। गुस्सा तो आता ना एक मिनट में आता है गुस्सा। अच्छा अच्छा ठीक है, आज आपसे ना हमने खीर पकवाई की रस्म करनी है। क्यों, मेरी नई शादी होके आई है मेरी? मैं नहीं दुलन दुलन आई हूँ कि मैं से खीर पकवाए के। मेरी बात सुने, जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूँ ना, इधर आने के बाद आपने कोई चीज मतलब रसम नहीं की कुछ पका के खिलाने की, तो आज आपने खीर पकानी है हमारे व्यूवर्स के सामने। अच्छा। ठीक है, और आपकी आज खीर पकाई की रस्म होगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो बाल जो आगे उसके लिए सॉरी। ठीक है ठीक है। वो शेर है ना, कहते हैं सारी जिंदगी चलते रहे और घर ही ना आया। वो शेर सुनाया तुमने आगे, बस इतना ही था। नहीं, सारी जिंदगी चलते रहे तो घर ना आया। पता नहीं सही, इतना दो लफ्ज आगे पीछे हो गए हैं थोड़े। बोंगियां ना मारा करें। नहीं, आपको शेर ही नहीं आते सुनाने? फिर अभी मैं निकालता हूँ बाइल में से, एक दो किए हुए हैं। ये मोबाइल से शेयर निकलने गए, किसने किए हुए? ये किसने भेजे हुए हैं? इतना कोई तो फिर आपने सेव किए हुए हैं, बताएं कौन है जिसने भेजे हैं? ये सुन, फली सुन, अच्छे लेवल के शेयर होने चाहिए। ये बोला दानी नहीं हूँ मेरे हाथ भी मैं जोड़े ने तमाम उम्र गुजारी है हिजरते करते हमारे नाम की तकी किसी मकाम पे नहीं। ये अच्छा, ये ठीक है। अब मैं अपनी आवाज में सुनाऊं? हाँ सुनाए। शेर याद कर लो। ये कौन सा शायर है शेर याद करके सुनाता है? दुनिया में चलती दो नंबर ही है। हिजरतें करते सुनाए शेर होना चाहिए। मेरी बात सुने अच्छा, हमारी ऑडियंस जो है ना वो थोड़ी अच्छे ज़ौक की है, अच्छा शेर सुनाया करे। अच्छा सुनाए ना, लोग महज़ूज़ होते हैं ऐसे थोड़ी है। शेर कुछ यूं है कि तमाम उम्र गुजरी है हिजरतें करते हमारे नाम की तख्ती किसी मकाम पे नहीं। कोई मकान बना लेना सी ना तुसी, थोड़ी तख्ती लग जांदी। हिजरते करते हमारे नाम की तख्ती किसी मकाम पे नहीं। इसमें शायर ये कहना चाह रहा है कि टाइम के साथ अपना मकान बना लो, तख्ती लगा लो। ये शायद कहना चाह रहा है कि टाइम के साथ अपना मकान बना लो तो उसे तख्ती लगा लो। अच्छा सेपरेट
हाँ जी सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट, ठीक है। उस दर तख्ती लगे आपके नाम की, तो फिर आप ये शेर नहीं सुनाने लगे किसी को, ठीक है। तो व्यूवर्स आज ये चेहरा जो है वो हमें खीर पका के खिलाएगा, और आज इनकी खीर पकाई की रस्म होगी। तो खीर ये बड़ी मजे की बनाते हैं, पता नहीं कहाँ से इन्होंने कुकिंग सीखी है, मुझे तो आती ही नहीं बनानी। आज ये हमें खीर बना के खिलाएंगे, ठीक है, घर वापस आएंगे जब उस वक्त। और अभी हस्बैंड दोपहर में वापस आ गए हैं काम से अपने, 2 घंटे का इनको ब्रेक होता है, और इसी दौरान इनसे खीर पकवाते हैं। अभी मैं इनसे यही कह रही थी, बाल छल क्या आपके बाहर ऐसे ठीक है, वजू करके तो आपने गीले कर लेने हैं। लोगों ने लोग आ कहते हैं आपके हस्बैंड जैसे भी आए अच्छे लगते हैं। अच्छा खीर बनने लगी है, आए आपको किचन में के दर्शन कराऊं। बाल आपके सर में है जो उलझे ना भी हो तो उनको क्या आपने कंधा करना है। वेलकम टू माई किचन, ये जी आपके भाई जो हैं वो बना रहे हैं खीर, क्योंकि इनके हाथ की जो खीर है वो वेरी फेमस। नाइट सीजन ले लें, अच्छा लोगों को बताना भी है कि ये क्या क्या डाला है आपने। नहीं ये बताना है क्या है, ये खीर का पैकेट है और क्या, ये पहले कितना दूध लिया है, लोगों को ऑडियंस को सब कुछ बताए ना, कितना दूध लिया आपने। नहीं ये पेट्रोल है, नजर आ रहा दूध है। कितना दूध है, ऑडियंस को पूरी रेसिपी देते हैं, ऐसे थोड़ी है आप चम्मच ला के बाहर चले जाना है। लीटर दूध में जो है ना ये खीर का पैकेट है, लजीजा का लेंगे, बाकी जो नेशनल वगैरह वाले पैकेट है ना वो नहीं अच्छे, वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। तो लजीजा का ना वो सबसे बेस्ट है। अच्छा ठीक है, वो लें आप। तो एक लीटर दूध में एक पैकेट डलता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। एक लीटर दूध में वो डलता है, पहले थोड़ा सा दूध को बॉइल करें, दूध बॉइल हो जाए थोड़ा सा वाले मारे, तो फिर अंदर खीर में इसका डाल दें पैकेट। अच्छा, लेकिन इसके अंदर आपने चीनी नहीं डालनी अभी, अभी नहीं डालनी, अभी नहीं डालनी, क्योंकि जब चीनी अगर आप डाल देंगे तो फिर वो जो ही चीनी डालेंगे ना खीर नीचे लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा चीनी एंड पे, चीनी जो है ना सबसे एंड पे डालनी है, जब बिल्कुल थोड़ी सी आप वो हो जाए पक जाए उसके बाद डालनी है आपने चीनी, ठीक है। तो ये क्या चक्कर है कि आप खीर बनाते हैं तो सही बनती है, मैं भी सेम पैकेट से बनाती हूँ मुझसे नहीं बनती, ये क्या वजह है? ये वजह कोई है, कोई क्या वजह है मुझे नहीं पता। लजीजा खीर को भी जी लजीज बनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल अच्छी है। हाँ लजीजा खीर भी हर कोई लजीज नहीं बना सकता, और साथ जो इस तरफ होना होना चाहिए ना, मतलब कैसे कहने कैसे बंदा बनाए पिक्चर खीर को, हमेशा हल्की आंच पे बनाए, वो ज्यादा आंच पे ना बनाए। अच्छा। थोड़ी सी आग तेज की हुई है क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, ठीक है, इसलिए इसको आस्ता आंच पे बनाए, इस पर टाइम लगता है, उसके सर पे खड़ा होना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता साथ हल्का हल्का चम्मच चलाते जाए ताकि कि नीचे ना लगे। अच्छा अच्छा, खुशबू तो बहुत ही जबरदस्त आ रही है जी। अच्छा 1 किलो दूध में 1 पैकेट जाएगा, 1 लीटर दूध ये डब्बा होता है इसमें 1 पैकेट, ये साइडों से लग रही है देखें, ये नहीं इसको ये कर ले। अच्छा अच्छा, ये तेज आपने किया ना इसलिए लग रही है ना, थोड़ा सा अगर बॉइल हो जाता है फिर आग इसकी नीचे कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। चीनी बाद में डाल लिया एंड पे, और 1 लीटर ये जो होती है ना लजीजा वाली पैकेट वाली जी जी, इसमें ऑलरेडी पहले भी वो जो है ना वो चीनी होती है मिक्स अंदर, लेकिन उसके बावजूद तो आपको थोड़ी और डालनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए आप ज्यादा नहीं डालनी, लेकिन 1 लीटर में 2 या 3 चम्मच डालेंगे, ठीक है, थोड़ा होता है फर्क इसमें। और ये अब चीनी डाल रही है अंदर, और सिर्फ चम्मच चला देने से ही जबरदस्त खीर हो गई तैयार है जी, हाँ जी, सिर्फ हाथ लगाने से ही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हाथ में जायका दिया। अच्छा होती अपनी तारीफें, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लोग जो खाते हैं मेरे हाथ का वो कहते हैं कि मजे का ही है। जो जेलस लोग होते हैं वो कहते हैं, वो मुंह बनाते हैं कि ये कितों बना लिया, इन्हें कितों बना लिया। लेकिन जो भी अगर कोई किसी का कोई खा लेता है
तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा बन जाता अच्छा है। बन जाता है। मेरी इसमें कोई कारीगरी नहीं है, कोई मेरी बड़ाई नहीं है इसमें, अल्लाह की तरफ अच्छा से बेहतर बन जाता है। अच्छा अल्लाह ताला ने आपके हाथ में जायका हाँ दिया हाँ है। जी, अल्लाह ने हाथ में जायका दिया है, मुझे लगता है, लेकिन मुझे पता नहीं था, फिर मुझे भी मुझे इस चीज का पता नहीं था कि अल्लाह ने मेरे हाथ में जायका दिया है। वो तो चंद लोगों ने जब हाथ का खाना छाना चेक किया, कोई पकौड़े शकौड़े, कोई क्रिस्पी शिस्पी टाइप, सारी चीजें तो नहीं अच्छी बनती, लेकिन चले कुछ चीजें ठीक अच्छी बन जाती हैं। अच्छा जी तो हाथ में जायका दिया तो बीवी को आपने आज तक कुछ नहीं हाँ खिलाया जी, टाइम होगा तो फिर खिला भी देंगे है खुद। ये बीवी को, बीवी के नसीबों में नहीं है आपके हाथ का खाना। आज खीर है ना आज। आज ही शुरुआत हो गई है, हाँ जी इफ्तिताह हो गया है, देखते हैं अब नेक्स्ट डिश कौन हाँ, सी नया नया बनेगी। देखते अब हैं, पकोड़े बनवाएंगे इनसे, पकोड़े ठीक बनवा देना। है, हाँ पकोड़े बहुत इनके अच्छे होते हैं, लोग शौक से खाते हैं, और हमने सोचा है पकोड़ों की दुकान नहीं खोल लेते हैं। हैं पकोड़े फेमस है ना आपके, आप खीर डन है हमारी। थोड़ा सा भी हो रहने दो इसको, हो तो गई है वैसे, अच्छा थोड़ा सा भी ना हो रहने दिया, लेकिन हटाती जाओ ताकि नीचे ना लगे, हो अच्छा गई है वैसे, हो हो गई है, गई है। डाल लेकिन लेते अभी तो डाल के ना इसको डाल के ऊपर बादाम शादाम डालो, फिर उसकी फोटो डालो। अच्छा ज्यादा नहीं नीचे से डालना। जिस जिसने पतीली चाटनी है आज है ना, पहले जमाने में हम खुद चाटता था, पतीलियां चाटा करते थे, खुद ही चाटता रहा हूँ। आप खुद चाटते थे तो कहते हैं जो पतीलियां चाटता ना उसकी शादी पे बारिश होती है। मेरी शादी पे कोई बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई आपकी शादी पे? है बारिश तो मेरी शादी को अलग हुई थी आपसे, मेरी शादी आपसे अलग हुई थी, बताएं। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ खीर, बहुत मज़े की यमी खीर बनी थी। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा हमारे साथ साथ हमारी बातें इंजॉय करके। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके ना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।